कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का हेल्थ अपडेट आ गया है। दरअसल इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर्स के अनुसार कंवरपाल गुर्जर को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। आपने ज्यादातर समय जनता के बीच बिताने वाले लोकप्रिय नेता और हरियाणा के वन पर्यटन और स्कूली शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा है और जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आए उन्होंने अस्पताल में भी खुद के और जनता के बीच की दूरियां मिटा दी। उनका हाल जानने आने वाले किसी भी आम नागरिक को रोका नहीं जा रहा। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर मीडिया के माध्यम से प्रदेश की तमाम जनता की दुआओं के लिए उनका आभार प्रकट किया और बताया कि लोगों की दुआओं और डॉक्टरों की कुशलता के चलते वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं और बहुत जल्द जनता के बीच में होंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं सभी जो हमारे डॉक्टर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और जो जनता की शुभकामनाएं उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं। अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे लगता है कि शायद आज शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। नॉर्मल है, जो अभी तक के टेस्टों की रिपोर्ट है वो सारी नॉर्मल। मैं स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का ट्रीटमेंट करने वाले यमुनानगर के डॉक्टर बीएस गाबा ने बताया कि शिक्षा मंत्री के तमाम इन्वेस्टिगेशन ठीक आए हैं और इनकी फीलिंग्स भी सामान्य हैं। कुछ देर के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगर वो शाम तक ठीक रहते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। सारे हमने इन्वेस्टिगेशन किए हैं, सीटी स्कैन, ईजी, इको, ऑल टेस्ट, ब्लड टेस्ट सभी नॉर्मल है। तो मोस्ट प्रोबेबली उनको एग्जेशन की वजह से वेजोवेगल हो जाता है कई बार, अगर बंदा लॉन्ग स्टैंडिंग खड़ा रहता है या ज़्यादा एग्जेशन करता है, रेस्ट नहीं मिलता है तो ट्रांजिएंटली ब्लड सप्लाई ब्रेन में रुकती है, उससे फिर थोड़ा सा हो जाता है। कोई भी रिपोर्ट ऐसी अटैक वाली हमें नहीं मिली। कब तक डिस्चार्ज होगी? आज मोस्ट प्रोबेबली आज डिस्चार्ज हो जाएंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की उम्र 65 साल हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से उनके स्वास्थ्य की जांच की गई उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। फिलहाल वो बिल्कुल ठीक हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यमुनानगर से टोटल न्यूज के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।